आजकल सबको पैसे कमाने हैं, सबको। हर कोई चाहता है कि ऑनलाइन आके पैसे कमाए, बट बहुत सारे लोगों को तरीका ही नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द वे टू अर्न मनी। इस वजह से वो उनके बीच में ना एड्स आती हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारी एड्स आती हैं। वो एड्स पे लोग बोल रहे होते हैं, यार यहाँ पे ना 10,000 लगाओ, यहाँ पे ना 5,000 लगाओ, यहाँ पे ना 500 रुपये लगाओ, यहाँ पे 1,000 रुपये लगाओ, ये चीज़ लो, इससे तुम्हारे पैसे बनेंगे, हमें 2 पैसे, हम तुम्हें 10 दिन में, सॉरी 2 घंटे में, 3 घंटे में, ऐसे करके पैसे डबल करके या चार हाँ गुना करके, 5 गुना करके देंगे। और बेचारे भोले भाले लोग उस पर क्लिक करके ख़त्म, खल्लास, खत्म। फिनिश। और भाई ऐसी चीज़ों में ना फंसो, पैसे कभी भी ऐसी चीज़ों में ऐसे। भाई मैं इसलिए बोल रहा कि मैंने खुद किया है ये चीज़, ठीक है, मैं खुद फंसाऊँ, तो अगर मैं खुद फंसाऊँ तो मैं सोच सकता हूँ कि भाई कितने लोग फंसे होंगे इस चीज़ में। 10,000 वेस्ट किया मैंने इस चीज़ में, 10,000 रुपीज़। उस टाइम मेरे पास पैसे थे भी नहीं जिस टाइम मैंने वेस्ट किए, सिर्फ ये सोच के कि यार घर पे कुछ पैसे आ जाएंगे इस वजह से। सोचो मतलब वो लोग कैसे लूटते हैं ना इसे, ऐसे मतलब ऐसे गलत लोग, उनको पैसे पचते भी नहीं होंगे, मतलब इतने भोले भाले लोगों के पैसे लूटते हैं वो, जिन लोगों को ज़रूरत होती है सच में। एंड कभी भी इस चीज़ में नहीं जाना। मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाके मेरी प्रोफाइल चेक करो, एज़ वेल एज़ आई टेल यू वन थिंग, हमेशा स्किल लर्न करो। देखो अगर आप ज़िंदगी में स्किल लर्न करोगे ना, पैसे की कमी तो आपको ज़िंदगी भर आने नहीं वाली, बिकॉज़ आपके पास स्किल है। जब आपके पास स्किल है ना, तो कंपनियां बैठी हैं आपको जॉब देने के लिए, कंपनियां बैठी हैं आपको काम देने के लिए, और कंपनियां क्या बैठी हैं, आप खुद भी काम कर सकते हो, आपको किसी जॉब की भी ज़रूरत नहीं है, और जॉब भी मिलेगी घर पे बैठ के, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्क है। तो स्किल सीखो ऑनलाइन वर्क का, अगर सीखना चाहते हो सच में कि कैसे ऑनलाइन वर्क होता है, देन लेट मी नो, टेक्स्ट करो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, और जल्दी से जल्दी स्किल लर्न करो, अपनी लाइफ को अच्छा करो, बिल्कुल बेहतरीन करो, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दो, क्योंकि मैं भी सेम चीज़ कर रहा हूँ। सो थैंक गाइस, कुर्लुस आसमान का लास्ट सीन बहुत इंटरेस्टिंग था। ये एपिसोड नंबर 9 है, पार्ट 1 है, एंड एपिसोड नंबर 9 का आगाज़ कर रहे हैं। मैं मंगोलों का वेट कर रहा हूँ, मंगोल कब आएंगे, है ना, मंगोल का ज़्यादा सही है। देखते ये तुम अपने गहने बाहर क्यों निकाल लेते हो, हैं। कट कर देना प्लीज इसे। ये श ना गहरे से बाहर श निकाल लेता है। गहने, ये कौन सी पद्धत है भाई, पद्धत पद्धत, हाँ, कसम ये रसम कौन सी है तुम्हारी, कहाँ से सीखे हो ये गहने बाहर निकालने। एक तो गहना पहना है ऊपर से बाहर, ना सुबह सुबह गहना पहन के आ गया। सुबह सुबह सोचो, सुबह के 5 बज रहे, इधर आंखियां नहीं खुल रही, इधर इसकी गहने बाहर आ रहे हैं। नॉनसेंस, लेट्स स्टार्ट दिस दिस वीडियो। वीडियो अबे तूने पीछे का सीन लगाया नहीं, कहाँ गया हो। हमारे मकसद और आका यानिस के नाम। अरे ये अयानिस तो है नहीं, है नहीं ये अयानिस। ए भाई हमारे मकसद और आका यानिस के नाम। ए भाई दिखा दिया। अरे तुमने आगे कर दिया इसको, पीछे का सीन कौन लेके आएगा, तू पागल है क्या, नहीं यही है या नहीं था, एपिसोड नंबर 8 है वो। आओ ते सीगा ना ठा। ये देखो देखा कुरु लूस ओस्मान एट ओस्मान एपिसोड एट 7 8। भाई ये डेंजर है, ये देख देखो। कितना बाकी है भाई। हाँ मैं वही, भाई भाई ये कहाँ से, ये मेरे को फालतू में 9वां दिखा हाँ दिया, बोले 9 एपिसोड, ये बहुत भाई डेंजर है, इसलिए ये बोल रही हूँ। क्या प्लीज कर अंजान रहा है, खातून समझ ही आप नहीं ये आ रहा मुझे, तलाश कर क्या रही मैं हैं। बोला गर्दन काट रहा भाई, हाँ कहीं से जी एकदम कहीं से। वो जो अम्मा हैवा ने मुझे निशानी के तौर पे दिया था। ये डेंजर है भाई, इधर आगे करने दो मुझे थोड़ा। तो बाहर मेरा एक आदमी, ये भी देखेला है। आने तुमने खुद, हाँ इधर से देखते हैं। अच्छा नहीं देखा क्या, मेरे को ज़ियाफ़त के तोहफे कबूल करने का शुक्रिया। आज तो ना कोई खास दिन है और ना मैं किसी दावत में आई हूँ, लेकिन आप हैं तो मेहमान। ज़ियाफ़त के तहाइफ मेज़बान की इज्जत को बढ़ाते हैं। ज़ियाफ़त के तहाइफ मेरे को भी दो, भूख लग रही, सुबह का टाइम है। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, चावल वगैरह दो, मस्त बिरयानी में डाल के, तरी तरी खाता है वैसे मैं। नादान मेहमान खुद को मेरा मेजबान समझने लगे हैं। ये सरजमीन हमारी है, एक मुसाफिर होने के नाते
अगर तुम्हें मेरे दस्तरखान पर बतौर मेहमान बैठना कबूल है, आओ जरूर बैठो, जैसे आप चाहें। तो वो मशहूर सहजान खातून आप ही हैं? और ये बिल्लियों जैसे चिड़ी। कोलुचा की समझदार बुजुर्ग औरतें हर मामले में आपको सराहती हैं, बहुत याद करती हैं। हम आग को नहीं बल्कि चूल्हे को देखते हैं। नाम हमारा मशहूर है हुनर अम्मा हायमा का। मुझे उम्मीद है हायमा अम्मा के पोते उस्मान साहब। आपको देखकर बहुत खुश होंगे। हम रिश्तों की पासदारी करते हैं, लेकिन उस्मान मेरे बेटों जैसा है और मैं भी उसको बहुत याद करती हूँ। ये बताओ, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है उस्मान की? उस्मान साहब ने मेरे शौहर के कातिलों को ढूंढा और उन्हें सजा दी। हमारी नजरों में कद्र है उनकी। इस खंजर को पहचानते हो उस्मान? अम्मा हायमा। अगर तुमने मुझे इनकार किया तो सलजान खातून को इस खंजर की बहुत जरूरत पड़ सकती है। वो मेरी माँ की तरह है। अगर उन्हें खरोंच भी आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे तुम जमीन की तहों में भी उतर जाओ। बात अभी खत्म नहीं हुई उस्मान। सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि अब्बास के कातिल भी दूंगा तुम्हें मैं। यकीनन तुम मेरी सजाए मौत पर खामोश रहोगे। सलजान खातून वो बखैरियत कबीले पहुंच जाएंगी। अब अच्छी तरह सोचो, या तो तुम मेरी सजाए मौत देखने यहां से कले जाओगे, या फिर अपने भाई अब्बास के कातिलों से इंतकाम लेकर अपनी मां जैसी सलजान खातून से मिलोगे। तुम फिर कोई चाल चल रहे हो मेरे साथ? क्या चल रहा है इसका, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें। वो गर्दन कटते हुए दिखा दी यार इसने आज यार। क्या तुम यार? मौत का दिखावा करोगे और गायब हो जाओगे। और ये वो उस्मान है जिसको मैं जानता हूँ, बहादुर भी, जहीन भी। मत भूलो बेरहम भी हूँ मैं मुर्दा इंसान हूँ उस्मान। नहीं ऐसे करके क्यों हंस रहे हैं? कांप कांप क्यों हंस रहे हैं? अब्बास के कातिल कहाँ हैं? इस वक्त वो जंगल में हैं और उनका सरबरा सेल्वाडोर है। सेल्वाडोर वो याद है? उस्मान, जल्दी करो, मैं ये भी नहीं जानता कि इस बार वो किसको तकलीफ देंगे। शुरुआत हुई है अभी तो इस जंग की, वो वक्त दूर नहीं है। ये मनहूस घिनौना चेहरा जब मेरी तलवार की रोशनी में गुम हो जाएगा। अरे हमारे मकसद और आका यानेस के नाम। अभी ये मतलब उधर दोबारा दिखाएगी अपने भाई से। अब वही दिखा रहे हैं डायरेक्ट।
हमारे मकसद और आकायानेस के। मेरी कितनी गंदी शक्ल आई है, शक्ल मेरी गंदी हो गई है। ए भाई कोई मेरा कोई स्क्रीनशॉट लेके कोई मीम ना बना दे भाई। भाई ओ भाई अपनी जमीन को तबाह करने वाले को नाबूद कर दिया। उस्मान जितना बहादुर शिकारी है उसके साइड उतना ही अजीम सरदार भी होगा वो। और भाई उस्मान क्यों नहीं आया, ये तो आपको पता होना चाहिए। सूफिया भी यहाँ नहीं है। गोंदो साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब उस्मान आएगा सब पता चल जाएगा। ये बताइए उस्मान कहाँ है दुंदार साहब? उस्मान क्या करने वाला है और कहाँ है ये कोई जान सकता है अलीशार साहब? अभी आप देखेंगे कि वो आ जाएगा आपकी आंखों के सामने। हमें क्या पता ये लाश यानीस की है या किसी और की। अगर वो ना हुआ हमारे अलावा जो इनको जानता है वो उस्मान है और वो यहां नहीं आया। हम पर भरोसा करें बंसी साहब। यानिस जैसे किसी की लाश भी यहां की फिजा को आलूदा कर देगी। ले जाओ इसे, यहां की फिजा को आलूदा कर देगी। अच्छा जी। ले जाओ इसे। ये देखो सुरगुल भाई का डुप्लीकेट कुल्हाड़ा लेके खड़ा है वो। अलीशार साहब आप भी यहाँ मौजूद हैं और आपकी मेजबानी में हम अपना साहब का मुहायदा बहाल करना चाहते हैं। इस तरफ आलीशार साहब, दुंदार साहब। मुझे बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। तुम्हारे चचा अभी भी मुहायदों के पीछे लगे हैं। उस्मान कहीं नजर नहीं आ रहा। आप फिक्र ना करें बामसी साहब, इस मुहायदे की बुनियाद मेरे बाबा ने रखी थी। अर्तुरुल भाई ये मुहायदा यूर्गोपोलोस के साथ करना चाहते थे, इन मनहूसों के साथ नहीं। गोंदो साहब इनके साथ बिल्कुल नहीं। सही बात है। कहाँ हो उस्मान, कहाँ हो तुम? तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। कहाँ हो दुंदार अंकल? खैर तो है, लगता है तुम्हें अभी कोई खुशखबरी मिली है। खुदावंद का शुक्र है मामला संभाल लिया गया, वरना जानी और माली नुकसान का अंदेशा था। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मेहमान नवाजी का शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ आपकी। आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आप इजाजत दें तो जहरा खातून और आपसे आपके कबीले में मुलाकात करना चाहूंगी। जरूर, दोस्तों के लिए हमारे दर हमेशा खुले रहते हैं। सबके सब तैयार बैठे थे भाई। सब तैयार बैठे थे।
गाइस ये था हमारा रिएक्शन और कुरलस आसमान यानीस का कत्ल नहीं हुआ और किसी और का कत्ल कर दिया उसकी जगह पे, किसी और को फांसी चढ़ा दिया। यानीस ने बहुत अच्छा खेल खेला, उसकी जो सुलजान खातून है उनको जरिया बना के उसने ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल एंड उनको जान से मारने की धमकी दे रहा था। हाँ। बोले सोफिया उधर ही चे कांड वांड करेंगी उधर जाके, तुझे क्या करना है बता दे। इसलिए वो गया नहीं फांसी के टाइम पे क्योंकि पहचान लेता हो उसको। हाँ। देखा है वो उसने है। यानी इसका कैसा है कैसा नहीं है, है ना। देखते अभी नेक्स्ट सीन क्या होता है। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।